हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके स्टडी पॉइंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस पर हम पहले भी क्लासेस दे चुके हैं, और जो पहले जो हमने पढ़ाया था वो था एंगल। जैसे ज़्यादा एंगल होता है रिपीट में साइन थीटा और कोस थीटा का, जैसे साइन 7 इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कितनी होगी, इस सब की हम पहले बात कर चुके हैं। जो हायर एंगल्स होते हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है। अब जो हम देखेंगे वो हैं कुछ आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये कुछ आइडेंटिटी हैं, फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। पहले हम इनको एक बार देख लेते हैं, फिर इन पर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या है, साइन ए प्लस बी, ए और बी यहाँ पर एंगल्स हैं। जो भी एंगल होंगे वो होगा साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। जहाँ जो भी यहाँ पर साइन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर साइन लग जाएगा। साइन यहाँ पर प्लस है, ए प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ए माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और कोस ए प्लस बी में सिमिलरली अगर कोस ए प्लस बी है तो यहाँ पर माइनस आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन अगर कोस ए माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस आएगा, मतलब इसमें अपोजिट है, इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। और अब जैसे थर्ड है, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है साइन की। ये जो दो फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको एक्सपेंड करके देखेंगे हम फॉर्मूलाज को, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के ये आसानी से मिल जाएगा साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। और सिमिलरली कोस में करेंगे कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होंगे क्वेश्चंस में। और ट्रिगो में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस फिर जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, उसी से फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे फिर। सो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं इन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट थ्री कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, प्रूविंग का है कि हमें प्रूव करना है कि रूट थ्री कोसेक 20 माइनस सेक 20 की वैल्यू 4 होती है। अब हमें सेक 20 की वैल्यू नहीं पता और ना ही कोसेक 20 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे फिर कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसको जो है थोड़ा आसान में साइन और कोस में लिख लेंगे। जैसे कोसेक 20 है तो हो जाएगा 1/sin 20, तो हो जाएगा रूट थ्री अपॉन साइन 20 डिग्री। और सेक 20 हो जाएगा 1/cos 20 डिग्री इक्वल टू 4। सो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री कोस 20 माइनस साइन 20 इक्वल्स 4। तो बेसिकली आरएचएस जो है वो 4 है, और एलएचएस को हमें सोल्व करने के बाद 4 लाना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन ए कोस ए लिखा हुआ है, साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर यहाँ पर 2 होता तो ये जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर बन जाएगा साइन 2 थीटा। और सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे देखें रूट थ्री कोस 20 साइन 20, जैसे रूट थ्री लिखा हुआ, अगर यहाँ पर रूट थ्री बाय 2 होता तो यहाँ पर साइन की एक वैल्यू बन जाती है कोस की, जो साइन की 60 डिग्री पे होती है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 1/2 होता तो साइन की जो वैल्यू 30 डिग्री पे होती है कोस की 60 पे वो बन जाती है। यहाँ पर एक सिमिलर पैटर्न सा नज़र आ रहा है जो इस फॉर्मूले में है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ईजिली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं भी करता हूँ, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे भी, और बेसिकली इसको 1/2 से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो हमें ऊपर भी 2/2 से करनी पड़ेगी। 1/2 से ऊपर करिए क्योंकि नीचे 2 चाहिए, फिर यहाँ 1/2 से करनी पड़ी हमें, फिर इसके ऊपर 2 चाहिए हमें तो 2/2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो नीचे वाले 2 और 2 हैं ये किसी काम के नहीं है। यहाँ पर 2 चाहिए हमें, इसमें नीचे 1/2 चाहिए, तो ये जो नीचे वाले 2 हैं ये ऊपर चले जाएंगे 2 2 4, तो हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा रूट 3/2 कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री अपॉन, ये बन जाएगा 2 साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री इक्वल्स 4। ठीक है, तो आई थिंक ये 4 ही बचेगा यहाँ पर, ये सब 1 हो जाएगा। कैसे होगा वो करके देखते हैं आगे। अब रूट 3/2 ये होती है, अब यहाँ पे हम जैसे इस फॉर्मूले में देखें ये साइन 60 है और ये साइन 30 है, लेकिन इसको कोस 60 कर सकते हैं, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा।
हमें नीचे जो फॉर्मूला है वो हमारा टू साइन है कोस भी, वो टू साइन है कोस है, तो ये हो जाएगा साइन टू ए, तो नीचे साइन है तो इधर भी साइन लाना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। तो साइन लाने के लिए हमें ये पहले वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी करके कुछ बनाना पड़ेगा, ना कि कोस वाले, तो इन कोस वालों की जगह हम साइन वालों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपोजिट लाने पड़ेंगे, यानी कि कोस है तो यहाँ साइन लिखना पड़ेगा और यहाँ साइन है तो यहाँ कोस। तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 60 कोस 20, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा कोस 1/2 आता है कोस 60 पे, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, और नीचे हो जाएगा टू साइन है कोस है तो ये हो जाएगा साइन 2a जो कि है 40 डिग्री, एंगल डबल हो जाएगा और इक्वल्स 4 तो है ही। अब ये साफ दिखाई दे रहा है क्या है फॉर्मूला, साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, यानी कि साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी वाला, साइन ए माइनस भी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस भी, ए कितना है 60 और बी है 20, तो ए माइनस भी 60 माइनस 20 हो जाएगा 40 अपॉन साइन 40 इक्वल्स 4, तो ये पड़ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, तो आंसर आ गया बस 4 इक्वल टू 4, यानी कि एल एच एस को हमने सोल्व करा तो आर एच एस के बराबर आ गई 4। सो बस यही था हमारा क्वेश्चन कि हमें किसी तरह से इसको मैनिपुलेट करके इसके कोल लाना था। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप मैनिपुलेट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम उसको चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होगा, जैसे कि है अगर कोसेक अल्फा की वैल्यू है 17/15, मतलब कोसेक का कोई एंगल है उसकी वैल्यू आ रही है 17/15, और कोस बीटा की वैल्यू है 12/13, बीटा कोई एंगल है उसका कोसाइन कितना है 12/13, यहाँ पे कोसेक अल्फा 17/15 ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कोस अल्फा माइनस बीटा की, ये वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगी, अब कोस अल्फा माइनस बीटा है तो इसको वो हमें आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, कोस के केस में यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता। सो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सब की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी, हमें दी हुई है बस सिर्फ इतनी, तो यानी कि हमें कोस बीटा भी चाहिए साइन बीटा भी, बट हमें कोस बीटा की बने बस, हमें साइन अल्फा भी चाहिए कोस अल्फा, साइन अल्फा दिया हुआ है कितना 15/17, ये उल्टा हो जाएगा बस, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 15/17, क्योंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/cosec अल्फा, साइन अल्फा है तो कोस अल्फा आसानी से निकाल सकते हैं, कोस अल्फा क्या होता है अंडर रूट 1 - sin² अल्फा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 - sin α की वैल्यू 15/17, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225/17 का स्क्वायर, टू एटी नाइन, ठीक है। सो इसकी वैल्यू जितनी भी आए 289 - 225/289, तो ये हो जाएगा 289 में से 225 गए तो 64, सो हो जाएगा 64/289, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, हो जाएगा 8/17, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रूट के बाहर जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ओ नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 8/17 आ गई, तो हमें ये बेसिकली हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ही फोकस करना है, कि पॉजिटिव वैल्यूज़ ही चाहिए, नेगेटिव वैल्यू का कोई काम नहीं है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/7, तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ गई 8/17, साइन अल्फा भी है कोस अल्फा भी, अब कोस बीटा भी हमारे पास, हमें साइन बीटा पूछनी है, सो साइन बीटा क्या होगा अंडर रूट 1 - cos² बीटा, सो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस बीटा की वैल्यू 12/13, तो कोस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 144/169, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
169 माइनस 144 ये आएगा अराउंड 25, और नीचे 169 तो ये क्या बन गया 5/13, ये 5 है और ये 13 का स्क्वायर है, तो 5/13 आ गई साइन बीटा की वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई हैं, तो हम आसानी से कोस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि क्या है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, बस दो वैल्यू, उनसे हमें ये फाइंड करना था। तो इसका फॉर्मूला जो हमने देखा, तो इसमें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो हमने इनसे निकाल ली, अब वो बस पुट अप करनी है, अब बस कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 8/17, और कोस बीटा की वैल्यू गिवन है 12/13, प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी 15/17, और साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5/13, तो ये हो जाएगी 15/17 इंटू 5/13। तो बस आ गई अब कैलकुलेशन है आगे, 17 जो नीचे आएगा पूरा वो आएगा 17 इंटू 30, और ऊपर कितना आएगा 96 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 171 अपॉन 221, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, यह कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो बस यही आइडेंटिटी हमें लगानी थी इसके, जो हमने पहले पढ़ी थी वो उसी में, बस उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स 10 थीटा। तो हमें इसको मैनिपुलेट करके 10 थीटा के इक्वल लाना है, ये आर एच एस है या एल एच एस है। तो इसमें कैसे, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, बस हो जाएगा, और इसमें तो कुछ खास लगाना भी नहीं है, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, और कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी टाइप का कुछ लिखा हुआ। तो अभी जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए है 2 थीटा माइनस बी कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी। तो यहाँ पे प्लस है कोस वाले केस में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में माइनस आएगा, जो कि जाएगा कोस 2 थीटा माइनस थीटा। तो बस हो गया, ये कितना हो गया साइन थीटा ऊपर नीचे कोस थीटा, तो ये आ गया 10 थीटा, ठीक है। तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल प्रूव हो गया, बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, सिंपल ये आइडेंटिटी जो थी उसी का यूज़ था इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या है साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर, फिर से वही आइडेंटिटी का खेल है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी कब बनता है, जब साइन ए प्लस बी करके कुछ देखा था हमने इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको खोलेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें क्या होगा साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी इधर लिखा हुआ है, तो इसको इसमें लिखना है ऐसे कन्वर्ट करके। तो ए है यहाँ पे 75 और बी एंगल जो है वो है 15 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 75 प्लस 15 90 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी। 75 माइनस 15 हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू साइन 60 साइन 60 आ गया। तो बस हो गया ये प्रूफ, यही प्रूफ करना था साइन 60 डिग्री, सिंपल बस आइडेंटिटी लगानी थी इसमें और कुछ नहीं। डायरेक्ट देख के ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर हमारे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बस इसको देख लेते हैं एक बार, और ये चारों आइडेंटिटी का यूज आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे फिर इसके बाद। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री। तो बस इसकी फिर से एल एच एस की मैनिपुलेशन करनी है, आर एच एस के इक्वल लाना है,
यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू जो है, आई थिंक इस एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको तो स्प्लिट करना पड़ेगा। साइन ए प्लस कोस बी ऐसी कोई आइडेंटिटी तो पड़ी नहीं, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, नहीं तो इनको कंबाइन करके कुछ बनाया नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखें तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है 1/√2, तो अगर वैल्यूज मान से रहता तो ठीक है, वरना डायरेक्ट एंगल में भी देख सकते हैं। जैसे कि अब इसको देखें तो 105 डिग्री को किन दो एंगल में तोड़ा जा सकता है जो हमें पता हो, जैसे कि 90 + 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि 15 की वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा 60 और 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे 60 और 45 हो जाएगा, तो बस क्वेश्चन सोल्व। ये हो जाएगा साइन 60 + 45 + cos, ये हो जाएगा 60 + 45, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला रहेगा इसमें, तो क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस, इसमें साइन वाले में प्लस आता है, अगर यहाँ पे प्लस होता कोस ए कोस बी, और ये वाली चीज़ प्लस करके, कोस ए प्लस बी है तो कोस ए कोस बी आएगा पहले, इसमें उल्टा नहीं आता साइन ए कोस बी की तरह, इसमें कोस ए तो कोस बी ही आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। इसको प्रूव करना भी आसान है ये ऐसा क्यों है, लेकिन वो हमारा मोटिव नहीं है, हम बस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो साइन 60 cos 45, ये दो चीज़ें, ये थी ये वाली और ये थी ये वाली, इन दोनों को ऐड अप करना है बस, और cos 45 के इक्वल लाना है, तो ऐसे एंगल में तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो शायद वैल्यूज में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3/2, इसकी वैल्यू पता ही है हमें 1/√2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 60 की 1/2 इंटू cos 45 की 1/√2, तो नीचे सब में 2√2 टाइप का आ जाएगा, तो वो आसानी से फिर ऐड कर सकते हैं, सेट 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। और यहाँ पे प्लस cos 60 cos 45 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू सिमिलरली वही आ गया। और ध्यान से देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही आएगी, तो ये कट रही है क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम है, रख लेते हैं तो इसकी हो जाएगी 1/2 × 1/√2, और ये माइनस sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और sin 45 की 1/√2। अब ये जो दो चीज़ें हैं सेम हैं तो ये कट गई, बचें सिर्फ ये दो 1/2√2 1/2√2, तो 2 आ गया ऊपर अपॉन नीचे 2√2, तो 2 से 2 कट गया, बन गया 1/√2, सो 1/√2 कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो बस यही लाना था cos 45 डिग्री। तो जो चार आइडेंटिटी बताई थी उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे, तो आप उन चारों आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ लें और उन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी वो आपकी, फिर आप आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। और लेकिन मैथ्स में सारे टॉपिक ऐसे नहीं होते कि सारे प्रैक्टिस के होते हैं, कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ज़्यादा होती है और कुछ में सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जैसे इसमें सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगाना आना चाहिए, वो आएगा प्रैक्टिस से, इसमें इतना कॉन्सेप्चुअली कुछ याद नहीं रखना। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो चार आइडेंटिटी थी आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक में जाके, या फिर ये चार आइडेंटिटी थी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद रखें आगे। सो थैंक यू।